विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो चुकी है और सभी दल अपने अपने कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जहां पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी सरकार के विरोध में पूरे प्रदेश में निर्धारित 7 स्थानों से जन आक्रोश यात्राएं भी निकाली जा रही है। गुरुवार को दमोह हटा से जन आक्रोश यात्रा पवई विधानसभा के सिमरिया मोहंद्रा से होती हुई पवई पहुंची, जहाँ जगदीश स्वामी मंदिर में आम सभा आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने केंद्र और प्रदेश की शिवराज सरकार की नीतियों को गलत बताया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट देकर सरकार बनाने की बात कही। देखिए, 18 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता जानती है। अनुशासन, भय, भ्रष्टाचार और किसान विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी इस सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश है और ये जन आक्रोश समूचे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। 7 यात्राएं हमारी जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में जारी हैं जो 3 अक्टूबर तक चलेंगी और हमारा जनता से यही निवेदन है, प्रार्थना है, जिस तरह से 18 में मध्य प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया था, 23 के चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को पूर्ण रूप से मिलेगा और हम 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश की सरकार बनाएंगे। तो उनको कौन सा रोल देना?